पंचकुला की कालका विधानसभा के गांव नानकपुर टिब्बी मंडलाय में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनता से सीधा संवाद भी किया। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की जो भी समस्याएं जनता के सामने रखी, वही समस्या को उन्होंने मौके पर ही उनका समाधान किया। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता के कामों को प्राथमिकता से करें, अगर कोई लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि कालका विधानसभा के जनसंवाद के सभी कार्यक्रमों में जन समूह उमड़ा। सभी कार्यक्रमों में जनता का स्नेह और उत्साह देखने को मिला। जनसंवाद कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों ने शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया। हरियाणा के शिक्षा वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने कहा, सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में वर्तमान सरकार के पक्षपात की भावना से ऊपर उठते हुए प्रदेश में एक समान विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। चाहे रोजगार की बात हो या विकास कार्यों की, सभी क्षेत्रों में सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। आज प्रदेश में मेरिट के आधार पर व्यक्ति की काबिलियत का आकलन करते हुए नौकरियां मिल रही हैं। इतना ही नहीं, पिछली सरकारों के कार्यकाल में जहां सरकारी विभाग में ट्रांसफर भी एक व्यवसाय बना हुआ था, उसे हटाते हुए ऑनलाइन ट्रांसफर की पॉलिसी लाई गई, जिससे प्रदेश में पारदर्शी शासन को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में सरकार को आम जनता से पता लगता है और इन समस्याओं का समाधान भी कई बार स्थानीय व्यक्ति ही ज्यादा अच्छे से बता सकता है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने आज जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की, ताकि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा सके। सभी कार्यक्रमों में कालका की पूर्व विधायक लतिका शर्मा, बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय शर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया था और उसकी जो परफॉर्मेंस थी सारी को देखने के बाद उन्होंने सभी जो मंत्री हैं, जो सभी सांसद हैं, इनकी सभी की जिम्मेदारी लगाई कि वो सब के सब मिलके और गांव-गांव में जाएंगे, लोगों की के साथ बातचीत करेंगे, जो सरकार ने काम किया उनके बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद जनता से पूछेंगे उनकी समस्याएँ क्या हैं। जो बड़े काम है मेरे समझ दो काफ़ी बड़ी मात्रा में हमने कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की समस्याएं तो हैं और टाइम टाइम के साथ समस्याएं होती भी रहती हैं पैदा, ऐसा भी नहीं अगर ख़त्म भी होगी तो फिर भी पैदा हो सकता ना, तो उसकी जानकारी लेना, लोगों के साथ संवाद करना और उन समस्याओं का समाधान करना, उसके लिए आज का कार्यक्रम।